ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और यहां भी देखिए, फिर से क्षमा चाहूंगी, बाबा के बच्चों के लिए सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है मालूम है? योग। योग वेरी टफ सब्जेक्ट, कुछ तो कहते बोरिंग लगता है। जिसको प्रभु प्रेम का रस नहीं लगा उसके लिए बोरिंग है, उसके लिए टफ है। जिसके मन में भटकाव की स्थिति है और एक बड़ी सूक्ष्म बात पापों का बोझ है, उसको क्या लगता है? थोड़ा टफ लगता है। बैठते हैं आकर के योग में, रेड लाइट है, गीत बज रहा है, हम बैठते हैं, बिल्कुल शरीर ऐसा होगा एकदम स्थिर, आंखें स्थिर, लेकिन मन इतनी दौड़ मचाता है कि कहाँ कहाँ घूम के आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मन मना भव तो होता ही नहीं। यहाँ से जाऊंगी सब्जी लेती जाऊंगी, गोभी की सब्जी बना लोगे, ये काम कर लूंगी, उसको फोन करना है, और फिर व्हाइट लाइट, हम शांति, हो गया योग। हुआ? शरीर स्थिर करने की आवश्यकता थी कि मन को स्थिर करने की आवश्यकता थी? शरीर तो स्थिर करके बिठा दिया, लेकिन मन क्या कर रहा है? यहां भाग रहा है, वहां भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर। सारा दिन की दिनचर्या बना दी मैंने शांति में बैठ के, लेकिन जहां मन जाना चाहिए था वहां, अच्छा चलो अभी समाधान चल रहा है, लोग सुनते हैं, कोई विघ्न आ गया, समस्या आ गई, अब तो योग करना ही पड़ेगा। सूरज भाई ने कहा 21 दिन भट्टी कर लो। अभी मैं योग कर रही हूं, लेकिन मन में क्या लेके कर रही हूं? ठीक है, वो विघ्न विनाशक है, दुख हरता है, सुख करता है, बिगड़ी को बिनाने वाला है, मेरा है, हम उसके पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? ये भी कीजिए, परंतु केवल इसी के ही लिए योग करो? आप सोचिए, केवल स्वार्थ और मतलब से ही मैं मेडिटेशन करूं, प्रभु मिलन करूं, तो ये राइट बात है? हैं? कोई कभी भी मेरे से मिलता हो, बात करता हो, मेरे पास आता हो, लेकिन कोई ना कोई मतलब लेके आता हो, कोई ना कोई स्वार्थ लेके आता हो, तो एक ना एक दिन तो मैं उसको भाप लूंगी ना, बड़ा मतलब ही है। बिना मतलब के कभी फोन नहीं करता ये, बिना स्वार्थ के तो कभी मिलने ही नहीं आता ये। एक बार, दो बार, दस बार तो पहचान लूंगी ना आखिर, वो नहीं पहचानेगा? नहीं पहचानेगा? यस या नो? पहचानेगा ना, पहचानेगा ना? तो क्या करना है? आप ये सब भी कीजिए, प्रयोग कीजिए, भट्टी कीजिए, विघ्न विनाशक भट्टी कीजिए, जो भी करना है कीजिए, अपने दिल की हाल सुनाइए, बोझ बताइए, जरूर बताइए, वो मेरा है, अपनों से नहीं शेयर करूंगी तो किससे करूंगी, कौन है मेरा फिर? लेकिन 24 घंटे में 10 मिनट, ज्यादा नहीं बोल रही मैं, समाधिस्थ होने के लिए नहीं कह रही हूं, कितना? 24 घंटे में 10 मिनट ऐसे निकालिए जब केवल उसके प्रेम में मग्न होने के लिए मैं बैठूं, जब उसको देखने के लिए, उसको निहारने के लिए, उसको जानने के लिए, उसके रहस्यों को पहचानने के लिए, उसमें खोने के लिए, उसमें डूबने के लिए, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए बैठूं। मन में ना कोई विकल्प हो, ना संकल्प हो, ना इच्छा हो, ना कामना हो, कुछ नहीं, केवल वो हो और मैं हूं, वो मुझे निहारे, मैं उसको निहारू, वो मेरे प्यार में डूब जाए, वो मेरे में लवलीन और मैं उसमें लवलीन हो जाऊं, और देखने वाले को ये लगे कि ये वो है कि वो ये है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी लवलीन स्थिति 10 मिनट्स 24 घंटे में जरूर बनाइए, क्योंकि वो भूखा किसका है, और वो ही मैं उसको नहीं दे रही हूं। और यदि मेरी तरफ से मेरा भूखा परमात्मा तृप्त नहीं होगा तो मुझे कहां से तृप्त करेगा? इसीलिए अपने भाव से, अपने प्रेम से हर दिन उसका पेट भरिए। मेरी तरफ से मेरा भगवान किसी भी दिन भूखा नहीं सोना चाहिए, हर टाइम स्वार्थ नहीं, हर टाइम इच्छाएं नहीं, हर टाइम कामनाएं नहीं,
आप उसको गौर से देखिए, उसके मनमोहक रूप को, उसकी सुंदरता को, उसकी असीम शक्तियों को, उसकी पूरी पवित्रता को, उसके तेजोमय प्रकाश को, जिससे तीनों लोक प्रकाशित है। बैठकर एक बार देखिए तो सही। और जितना मैं उस पर एकाग्र हो जाऊंगी, उसको देखना शुरू करूंगी, उसके लव में डूबना शुरू करूंगी, उतना मुझे उसके रहस्य नित नए सामने आने लगेंगे। एक नया रहस्य खुलकर सामने आएगा उसका, उसको मैं जानना शुरू कर दूंगी। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे तुम भले ज्ञान में 25 साल से चलते हो, लेकिन मैं जो हूं, जैसा हूं, अभी तक मुझे अपरंपार है। वो सागर है, जितना डूबेंगे उतना मिलेगा, ऊपर ऊपर से तो कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए डूबिए, मोती लाइए निकाल करके। ठीक है, तो पहली कंडीशन कौन सी? दिल से क्लियर हुआ। सेकंड कंडीशन, दिल से कहिए। क्या कहिए? दूसरी कंडीशन, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। एक तो दिल से, और दूसरा कौन? मेरा।